देखिए मेरे जीरा राइस कितने बढ़िया बन करके तैयार हुए हैं। एक एक चावल अलग अलग कलर आप देख ही सकते हो कि एकदम व्हाइट कलर है, बहुत ही बढ़िया बने हैं। अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रूबी किचन एंड ब्लॉग। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आज मैं बना रही हूँ जीरा राइस, जिसके लिए मैंने 2 कटोरी ये चावल लिए हुए हैं, जिन्हें मैंने धो के आधे घंटे पहले धो के रख दिया था, जिससे उसका पानी भी सूख गया है। मैंने इसमें पानी नहीं रखा था, केवल धो के रख दिए थे मैंने ये, और पानी सूख चुका है इनका। और कुछ मैंने लिए हैं काजू, 1 बड़ा चम्मच जीरा है, ये 2 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के हैं, 2 इलायची हैं, ये 4 से 5 लौंग हैं, ये 1 चम्मच नींबू का रस है, ये हरा धनिया है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा, नमक मैंने रखा नहीं है यहाँ पर। तो चलिए जीरा राइस बनाना शुरू करते हैं, जो बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही टेस्टी बनते हैं। मैं राइस कुकर में बना रही हूँ, इसके लिए मैंने गैस पर ये कुकर चढ़ाया हुआ है। इसमें मैं घी डालूंगी, दो चम्मच मैं घी डाल देती हूँ इसमें। अब मैं घी को होने देती हूँ गरम, घी हो गया मेरा गरम, मेल्ट हो गया अच्छे से। अब मैं इसमें डाल देती हूँ जीरा, जीरे को अच्छे से भुनने देते हैं इसमें। जीरा मेरा चटक गया है। अब मैं इसमें जो साबुत मसाले मैंने रखे हैं उन्हें डाल देती हूँ। और साथ में ही मैं डाल देती हूँ ये काजू, थोड़ा सा इन्हें भून लेते हैं। ये सारी चीजें मेरी भून गई हैं। अब मैंने जो चावल भिगो के रखे थे उन्हें डाल देती हूँ मैं। और अच्छे से इन्हें मिला देती हूँ। इन्हें इस घी में 2 मिनट तक भून लेती हूँ मैं चावलों को। 2 मिनट मैंने चावलों को भून लिया है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। पानी आप चावलों के हिसाब से लीजिए। अगर आप बासमती राइस ले रहे हो तो आप 1 कटोरी में 2 कटोरी पानी डालें। मेरे चावल सादा हैं तो मैं इसमें 2 कटोरी में मैं 3.5 कटोरी पानी डालूंगी। पानी मैंने डाल दिया है, इसे थोड़ा सा मिला देंगे। और इसमें मैं अभी ही डाल देती हूँ ये नींबू का रस और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। दोनों चीजों को मैं अच्छे से मिला के, नींबू के रस से ना चावलों का कलर भी बहुत अच्छा आता है और स्वाद तो अच्छा आता ही है। अब मैं इसका कुकर का ढक्कन बंद करके लो टू मीडियम पे मैं इसे 1 सीटी आने तक पकने देती हूँ। कुकर में सीटी आ गई है। अब मैं गैस को कर देती हूँ बंद, लेकिन हमें इसमें से आधी सीटी अभी निकाल देनी है। आधी सीटी अपने आप निकलने देंगे हम इसकी, इसलिए हम इसकी आधी सीटी अभी ही निकाल देंगे। मैंने इसकी आधी सीटी निकाल दी है, लेकिन अभी भी इसमें है, इसे मैं अपने आप निकलने दूंगी। बहुत ही बढ़िया खिले खिले चावल बन करके तैयार होंगे। कुकर का सीटी एकदम निकल गया है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे राइस कैसे बने हुए हैं। ये देखिए कितने बढ़िया एकदम खिले खिले देख सकते हो।
मिला देती हूँ मैं। सारा जीरा ऊपर आ गया है, आप देख सकते हो कितने बढ़िया बने हुए हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ हरा धनिया, और फिर से मिला देती हूँ। अभी मैं आपको इसे निकाल कर दिखाती हूँ कि कितने बढ़िया चावल बने हुए हैं मेरे। ये देखिए कितने बढ़िया राइस बन करके तैयार हुए हैं मेरे। बहुत ही एक एक चावल हो रखा है मेरा। इन्हें आप किसी के साथ खा सकते हो। मैंने यहाँ पर ये तड़का दाल बनाई हुई है। तड़का दाल की भी रेसिपी मेरी चैनल पर डली हुई है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया तड़का दाल भी बनी है मेरी, और चावल तो आप देख ही सकते हो कि कितने बढ़िया बने हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब तो ज़रूर ही ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं, और मेरे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।